आज की वीडियो में बात गोदी मीडिया और रियल मीडिया की पिछली 5 डिबेट की करेंगे और देखेंगे किसने जनता के मुद्दों पर बात की। पहले बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, उत्तराखंड का मूड क्या है, किसका कुमाऊं किसका गढ़वाल। दूसरा, महंगाई पर चल लाओगे, पेट्रोल डीजल के दाम कब घटाओगे। तीसरा, कोरोना की थर्ड वेव आने वाली है। चौथा, चुनाव आया, हिंदू मुस्लिम और जात पात लाया। पांचवा, आस्था के नाम पर राजनीतिक प्रदूषण, गंगा और यमुना कभी साफ भी होंगी। संदीप ने इस हफ्ते अपने डिबेट्स के जरिए महंगाई, कोरोना और चुनावों को लेकर बात की। उन्होंने कोरोना को लेकर चिंता भी जाहिर की और सवाल भी उठाए। लेकिन एक और वायरस है जिसने हमारी जिंदगी जहन्नुम बनाकर रखी हुई है पिछले 2.5 साल से, लेकिन उसकी चर्चा अब ना के बराबर हो रही है। मानो ये वायरस भाग गया, इसने हमारा पीछा छोड़ दिया है। 4-4 लाख केसेस आते थे, 4 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। अब आज का जो आंकड़ा है 12,516 केसेस। तो आप कहेंगे, अरे किस बात का हाय तौबा मचा रहे हो, केसेस कम हो गए ना, पर इनके अंदर भी हमें देखना होगा। 7,500 केस अकेले केरल के हैं, लगभग 1,997 केस महाराष्ट्र से आए हैं, 900 के करीब केस तमिलनाडु और इतने ही केस पश्चिम बंगाल में देखे गए हैं, पाए गए आज नए केस। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। अब बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर बात की। पहला, आजादी के आंदोलन को नकारने का सिलसिला है। दूसरा, ड्रग्स का गोरख धंधा नाक के नीचे, एजेंसी कुछ ग्राम ड्रग्स के पीछे। तीसरा, UAPA, NSA, PASA, NDPS ये कानून है या फसाने की बेड़ियां। चौथा, क्या पुलिस को बताना पड़ेगा FIR कैसे लिखें, जांच कैसे करें। पांचवा, आम आदमी को याद है नोटबंदी, सरकार क्यों भूल गई। सीनियर पत्रकार रवीश कुमार ने अपनी वीडियो में कई अहम मुद्दों पर सवाल उठाए। उन्होंने UAPA, NSA और PASA जैसे कानूनों के इस्तेमाल को लेकर चिंता जाहिर की। कि इस साल अगस्त में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि 2019 में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत 1948 लोग हिरासत में लिए गए और सजा केवल 34 लोगों को मिली। यह दिखाता है कि कमजोर आधार पर UAPA की धाराएं लगाई जा रही हैं और जांच भी कमजोर होती है। सारा जोर इसी पर है कि आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखा जाए। अगर वो राजनीतिक विरोधी है या राज्य की सत्ता को उसका चेहरा पसंद नहीं, तो यह कानून सबक सिखाने का सबसे आसान जरिया बनता जा रहा है। किस तरह किसी को जेल में रखने और जमानत पर बाहर आने से रोकने के लिए UAPA का इस्तेमाल होने लगा है, इसकी मिसाल दिल्ली दंगों में दर्ज मामलों और अदालतों में उनकी सुनवाई से मिल जाएगी। सिर्फ UAPA नहीं है, इसकी बिरादरी के कई और कानून हैं जिनमें जमानत को मुश्किल बनाया गया है। मिसाल के तौर पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, NSA, NDPS एक्ट, PASA एक्ट। अब बात गोदी मीडिया के पत्रकारों की करते हैं। सबसे पहले बात न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन की करते हैं और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, हिंदुत्व के खिलाफ सियासी सुपारी। दूसरा, कश्मीरी हिंदुओं पर कांग्रेस का हुआ तो हुआ। तीसरा, हिंदुत्व में क्यों दिखा ISIS और बोको हराम। चौथा, राफेल का कमीशन खोर कौन। पांचवा, पलायन का दाव, हिंदुत्व पर चुनाव। अमीश ने अपनी डिबेट में कई मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन उनकी किसी भी डिबेट में महंगाई का मुद्दा नजर नहीं आया, न ही कोरोना को लेकर कोई चिंता दिखाई दी। देखते हैं उनकी एक डिबेट। अंग्रेजी की एक कहावत है, यू कैन लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी, यानी आप मुझे पसंद कर सकते हैं या आप मुझसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे इग्नोर यानी नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। सियासत में कुछ ऐसा ही हाल हिंदुत्व का हो गया है। कोई हिंदुत्व को बोको हराम और ISIS जैसा बता रहा है। कहा जा रहा है कि कश्मीरी हिंदू विस्थापित हो गए तो हो गए, हम क्या करें, ये सलमान खुर्शीद ने मेरे साक्षात्कार में बोला। कोई राम मंदिर के फैसले पर सवाल उठा रहा है। कोई कह रहा है कि इस देश में हमेशा से हिंदू वोट बैंक ही था, ओबीसी ऐसा कह रहे हैं और आगे भी रहेगा। कोई कह रहा है कि
हम अयोध्या में बड़ा राम मंदिर बनवाएंगे। चुनाव से पहले टेंपल रन एक बार फिर इस देश में शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं रिपब्लिक भारत के पत्रकार ऐश्वर्या कपूर की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर बात की। पहला, आस्था का अपमान कांग्रेस की आदत। दूसरा, बकौड़ा परमबीर सिंह को रेड कॉर्नर नोटिस जारी। तीसरा, कांग्रेस के लिए हिंदुत्व आतंकवाद। चौथा, हिंद का प्रहार आतंक की हार। पांचवा, सेना के गुनहगार बेनकाब। ऐश्वर्या ने अपने डिबेट में कांग्रेस पर बात की और आतंकवाद और हिंदुत्व पर भी सवाल उठाए, पर महंगाई और विकास के मुद्दे पर सरकार से कोई सवाल नहीं किया। अब आते हैं इस पे, ये सलमान खुर्शीद को, मैं तो बात करता हूं कांग्रेस पार्टी को। ये कांग्रेस पार्टी को हुआ क्या है? प्रेम शुक्ला जी और तस्लीम रहमानी जी और फिर सबके पास आ रहा है ये कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैं सलमान खुर्शीद के इस वक्तव्य को प्रेम शुक्ला जी अलग से नहीं लेता। मैं कहता हूं ये एक सोच है जो बार बार अपने आप को रिपीट करती है। उन्होंने तीन चीजों की तुलना की, एक हिंदुत्व, एक बोको हराम और एक आइसिस। जरा तुलना देखिए तीन लोगों में, तीन चीजों में, आइसिस, बोको हराम और हिंदुत्व। मुझे कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, ओवर टू यू। ऐश्वर्य जी आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस का हिंदुत्व द्रोही चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। आपको कौन सा एंकर आपसे जुड़े मुद्दों पर बात करता नजर आया? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।